टुडे वी स्टार्ट चैप्टर सेवन। आज हम चैप्टर सेवन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। जब हम किन्हीं थिंग्स का अरेंजमेंट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं परमुटेशन। अरेंज करेंगे थिंग्स को, अरेंजमेंट। और जब सिलेक्शन करेंगे तो उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन। ग्रुप बनाइए, सिलेक्शन करें, उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर में हम अरेंजमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। अरेंजमेंट का केस होगा तो उसे हम बोलते हैं परमुटेशन, और सिलेक्शन का केस होगा उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कुछ चीज़ों को हमें अरेंज करना पड़ता है तो उसमें अरेंजमेंट होता है, हो जाता है। जब सिलेक्शन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्शन हो जाता है। तो इनको स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स। एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स किन्हीं भी चीजों का साथ साथ जो हैपनिंग है उसका प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी बोल देते हैं और प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स भी बोल देते हैं। क्या है देखो, ये इफ एन इवेंट ए कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज। यदि कोई इवेंट ए है वो एम अलग अलग वेज से हो रहा है। फॉलोइंग विच अनदर इवेंट और उसके साथ साथ ए इवेंट एम वेज से हो रहा है और फॉलोइंग विच अनदर इवेंट बी कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज। जो इवेंट बी है, दूसरी घटना है, वो अलग अलग कितने वेज से हो रही है, एन वेज से हो रही है, और पहली घटना ए है वो एम वेज से हो रही है, और दोनों घटना साथ साथ करवानी हमें, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ बोथ, टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस होने का बोथ दी इवेंट्स A and B is M by N। दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर दोनों साथ साथ, दोनों के नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस होने के साथ साथ तरीके देखने हैं, साथ साथ होने के तरीके कितने बनेंगे टोटल, तो वो कैसे आएंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच A कैन हैपन, नंबर ऑफ वेज इन विच B कैन हैपन। बी कितने वेज से होता है और ए कितने वेज से होता है, उन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डायरेक्ट रूल हो गया भाई, जब कोई दो इवेंट साथ साथ हो रहे हैं तो उनके वेज निकालने का फॉर्मूला एम इंटू एन। अगर दो से ज़्यादा घटनाएं हैं, दो से ज़्यादा इवेंट हैं, थ्री हैं, तो थर्ड के वेज को भी हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर हैं तो फोर्थ के वेज को भी हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिफरेंट वेज को। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे रमेश गोज टू ए मूवी, एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं मैम। गोज टू ए मूवी
The cinema hall has three entrances. उसके तीन रास्ते हैं इंटर करने के अंदर, entrances. उनको हम नेमिंग कर रहे हैं E1, E2 और E3. एंड टू एग्जिट्स हैं भाई उसके, दो रास्ते निकलने के हैं, दैट इज आउटलेट्स. बाहर निकलने के उसके दो रास्ते हैं सिनेमा हॉल के, O1 एंड O2. अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन एंटर द होल एंड कैन लीव इट. कितने रास्ते ऐसे अलग अलग होंगे कि वो उसमें इंटर करे और उससे बाहर निकले, अलग अलग रास्ते बताने. तो ये देखो जो कंप्लीट प्रोसेस है उसमें दो बातें हैं, दो इवेंट्स हैं, एक तो इंटरिंग है और एक एग्जिट है. दोनों काम मिलकर उसका पूरा करेंगे क्योंकि उसे इंटर भी करना है और हॉल से बाहर निकलना है. कंप्लीट प्रोसेस के लिए उसे दो काम करने पड़ेंगे, एक तो इंटर करना है और एक बाहर निकलना है. तो प्रोसेस इन्वॉल्व टू ऑपरेशंस, प्रोसेस में दो बातें शामिल हैं, एक तो क्या है इंटरिंग द होल और दूसरा है गोइंग आउट, बाहर निकलना, एग्जिट. दोनों काम उसे पूरे करने हैं, कंप्लीट प्रोसेस के लिए दोनों काम पूरे करने हैं. तो अलग अलग कितने वेज उसके बनेंगे, तो देखो कितने वेज बने. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल से दो इवेंट हैं, एक तो एंटरिंग द रूम, एक इवेंट तो क्या है, वन इवेंट इज दैट एंटरिंग द होल और दूसरा इवेंट क्या है, अदर इवेंट. इसमें दो इवेंट हैं, एग्जिट द होल, होल से बाहर निकलना, दो बातें यहां पर. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है ये, कि भाई अगर दो इवेंट है दोनों को साथ साथ कराना है, काम पूरा करने के लिए दोनों का होना जरूरी है, ऑक्यूरेंस ऑफ बोथ, दोनों का साथ साथ होना जरूरी है कि अंदर भी जाना है और बाहर भी निकलना है होल से कंप्लीट प्रोसेस के लिए. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो क्या आएंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नंबर ऑफ वेज क्या है, थ्री तो इंटर द रूम है और टू एग्जिट हो गए, कितने हो गए, सिक्स. इंटरिंग द होल इन थ्री वेज से इंटर कर सकते हैं, एग्जिट द होल इन टू वेज. तो उसने कहा था जितने डिफरेंट वेज हों उनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज. कि वो रमेश है इस हॉल में एंटर करे और इसको लीव करे, उसके टोटल वेज आ गए सिक्स. अब देखो ये हमने डायरेक्ट निकाल दिया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और वैसे मेथड क्या होगा हम अलग अलग अगर बनाना चाहें तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी. देखो इंट्रेंस है हमारा, उसका
बनाना चाहें तो इससे देख सकते हैं हम इंट्रेंसिस। एक तो E1 है, इसे इंटर कर रहा है, और दूसरा इंटर है E2, और तीसरा इंटर है E3। तीन तो उसके इंटरिंग द रूम है, और फिर एग्जिट का है भाई, उसे एग्जिट करना है। तो एक तो भाई देखो, इस रूम इस रास्ते से इंटर करे और इस ओवन से एग्जिट कर जाए, एक वे तो ये हो गया। और दूसरा वे क्या हो गया, E1 से इंटर कर जाए और O2 से एग्जिट कर जाए। तीसरा वे क्या हो गया, E2 से इंटर कर जाए, O1 से एग्जिट कर जाए। चौथा क्या हुआ, E2 से इंटर करे और O2 से एग्जिट करे। पांचवा क्या हुआ, O1 से एग्जिट करे, और छठा क्या हुआ, O2 से एग्जिट करे। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटीज हैं, वेज हैं, क्या बने देखो, वेज पॉसिबिलिटीज बोल सकते हैं हम, उसके एंटर द होल और एग्जिट द होल के जो टोटल वेज हैं वो मैं लिख रहा हूँ। पहला वेज तो बन गया E1 O1, दूसरा बन गया E2 O2, E1 O2 सॉरी, और तीसरा बन गया E2 O1, और चौथा बन गया E2 O2, और पांचवा बन गया E3 O1, और छठा बन गया E3 O2। ये उसके टोटल डिफरेंट वेज बन गया। अब इसमें देखो, प्रत्येक जो हैपनिंग है उसमें क्या हो रहा है, वेज में दोनों काम हो रहे हैं, इंटर भी हो रहा है एग्जिट भी हो रहा है, इंटर भी हो रहा है एग्जिट भी, तो दोनों काम हमें पूरे करवाने थे। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, 6 आ गई। तो कोई भी अगर घटना घटती है तो उसमें जितने इवेंट्स हैं, अलग अलग जितने इवेंट्स हैं, दो हैं तो दोनों को लेंगे साथ साथ, और उनके दोनों के डिफरेंट वेज देखेंगे अलग अलग कितने हैं, और उन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम देख सकते हैं, इसको तो हमने गिने चुने थे 3 और 2, तो कर लिया। मान लो 40 और 45 हो तो हम ऐसे बना नहीं सकते, बहुत सारे हो जाएंगे। तो उन केसेस में जब लार्ज नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं, उन केसेस में हमें इसकी जरूरत पड़ी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या कहती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर कोई दो इवेंट हो रहे हैं, एक इवेंट ए और एक बी, और दोनों साथ साथ घट रहे हैं, दोनों के हमें तरीके साथ साथ के चाहिए, साथ साथ होने के, ए और बी के, तो ए कितने वेज में हो रहा है और बी कितने वेज में हो रहा है, अलग अलग वेज देखेंगे, नंबर ऑफ वेज डिफरेंट कितने होंगे ए के और बी के, फिर दोनों के टोटल ए और बी के जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो दोनों की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे m into n। ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज कितने हो गए, क्योंकि जो उसका कंप्लीट प्रोसेस था उसमें दो तरीके बताए गए इस क्वेश्चन में, इंट्रेंस है और एग्जिट है, दोनों से मिलकर काम पूरा, इंटर भी करना है उसे और एग्जिट भी करना है। तो इस तरह से 6 वेज हो गए। इसको हम एक अलग तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से देखो, जैसे बनाता हूं, थ्री रस्ते तो इंटर के हैं भाई इसके होल के, और 2 वेज आउट के हैं। तो देखो, एक तो ये हो गया 1, एक ये हो गया भाई 2, एक ये हो गया भाई 3, भाई यहां से गए और यहां से बाहर आ गए, एक ये हो गया भाई 4, और एक ये हो गया यहाँ से गए और यहाँ से निकल गए, और एक लास्ट ये हो गया यहाँ से गए और यहाँ से निकल गए। तो इसको अगर हम इस रास्ते का नाम E3 दें, इसका नाम E2 दें, इसका नाम E1 दें और इसका नाम O1 दें, तो सबसे पहले ये लाइन हमारी आई है, इस लाइन को हम बोलेंगे E1 O1। E1 से इंटर किया, O1 से बाहर निकल गए, और दूसरी लाइन है E2 O1, और तीसरी लाइन है E3 O1। E3 से इंटर, O1 से बाहर, इसमें E1 से इंटर और O2 से बाहर, और इसमें
E2 से इंटर और O2 से बाहर, इसमें E3 से इंटर और O2 से बाहर, ये O2 रास्ता है बाहर निकलने का। तो देखो यहां पर तो हमने गिने चुने थे कर दिए, अब सभी में तो नहीं कर सकते, 3 और 2 थे तो हमने कर दिए, कम बने थे, मान लो 50 हों वेज इसके और इसके 60 हों, तो ऐसे हम बहुत सारे बन जाएंगे जो कि हमारे लिए काफी टिपिकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसको करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत सारे वेज होंगे इसलिए एक एक बनाने बहुत कठिन हो जाएगा। तो उन केसेस में हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब वेरी लार्ज नंबर वेज आएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर कोई भी दो घटना घटती है, जैसे इस केस में क्या था, एक तो इंटरिंग दी होल और एक एग्जिट दी होल, दो बातें हैं, इंटर करना है और एग्जिट करना है, तो उसने बताया था कुल अलग अलग कितने तरीके बनेंगे दोनों बातों के, इंटर के और एग्जिट के, टोटल कितने तरीके बनेंगे कि हम इसके अंदर इंटर भी करें एग्जिट भी, तो 6 रास्ते बनते हैं अलग अलग, भाई इससे गए इससे बाहर निकले, इससे गए इससे बाहर निकले, तो इसमें दोनों इवेंट्स का यूज हो रहा है, इंटर का भी और एग्जिट का भी। तो फॉर्मूला क्या बनाया, नंबर ऑफ वेज इन विच ए कैन हैपन, ए इवेंट कितने तरीकों से हो रहा है पहले वाला, इनटू नंबर ऑफ वेज इन विच बी कैन हैपन, दूसरा इवेंट बी माने तो यहां पर ई है, इंट्रेंस है पहला इवेंट और दूसरा क्या है एग्जिट, नंबर ऑफ वेज इन विच बी कैन हैपन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दो इवेंट होंगे तो दो की मल्टीप्लाई, और दो से ज़्यादा तीन से काम हो रहा हो तीन इवेंट से तो हम तीनों के वेज की मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 इवेंट होंगे तो चारों के वेज की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि कोई भी टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स ए एंड बी, दोनों इवेंट्स के साथ साथ होने के वेज बताए हैं, इंट्रेंस के और एग्जिट, इसके एग्जाम्पल लेके हमने किया है इसको समझने के लिए, तो दोनों इवेंट्स के अगर साथ साथ होने के तरीके पूछे जाएं तो दोनों के वेज नंबर ऑफ वेज हैं उनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे आ जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट सिक्स सीट्स आर वैकेंट ऑन ए बेंच, इन हाउ मेनी वेज वेज कैन 3 पैसेंजर सिट ऑन देम, 6 सीट हैं भाई, उन 6 सीटों पर 3 पैसेंजर अलग अलग कितने तरीकों से बैठ सकेंगे, रेलवे कंपार्टमेंट में 6 सीट्स हैं तो 6 सीट्स में 3 पैसेंजर अलग अलग कितने वेज से बैठ सकेंगे, तो इसके लिए हमारे पास हमें 3 पैसेंजर बैठाने हैं, हमारा काम क्या है, वी वांट टू सीट 3 पैसेंजर, हम 3 पैसेंजर को बैठाना चाह रहे हैं और 6 सीट अवेलेबल हैं उनके लिए बैठने के, तो अलग अलग उनके बैठने के कितने तरीके बनेंगे, तो यहाँ पर 3 इवेंट्स हो गए, पहले पैसेंजर को बैठाना, दूसरे पैसेंजर को बैठाना, तीसरे पैसेंजर को बैठाना, और तीनों पैसेंजर बैठाने हैं तो तीनों काम पूरा होना चाहिए, तीनों की ऑक्यूरेंस होनी चाहिए, तीनों साथ साथ होने चाहिए, तीनों का होना चाहिए साथ, और साथ होना चाहिए तो क्या लग जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोल सकते हैं जिसे। तो क्या मेथड होगा, फर्स्ट पैसेंजर, 3 पैसेंजर बैठाने में तो 3 इवेंट हो गए, फर्स्ट पैसेंजर कितने तरीकों से बैठाएंगे हम वो देखेंगे, फिर दूसरे को कितने तरीकों से बैठा सकते हैं वो देखेंगे, तीसरे को कितने तरीकों से
बैठा सकते हैं वो देखेंगे। फिर तीनों को बैठाना है, तीनों को साथ साथ कैसे बैठाओगे, तीनों के जो डिफरेंट अलग अलग वेज आएंगे उनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच थ्री पैसेंजर्स सीट ओन सिक्स सीट्स ऑफ ए बेंच कैन सीट ऑन एनी ऑफ द सिक्स वैकेंट सीट्स। पहला जो पैसेंजर है वो किसी भी छह सीटों में से किसी पर भी बैठ सकता है क्योंकि खाली है सारी सीट भाई, तो छह वेज होगी उसके पास। सेकंड पैसेंजर कैन सीट ऑन एनी ऑफ द रिमेनिंग, एक सीट पर तो बैठ चुका है भाई, रिमेनिंग फाइव वैकेंट सीट्स। थर्ड पैसेंजर कैन सीट ऑन एनी ऑफ द रिमेनिंग फोर वैकेंट सीट, रिमेनिंग दो सीटों पर तो बैठ चुके हैं तो इसके हिस्से में चार सीटें बची हैं बस वैकेंट जिसपे बैठ सकता है। तो देखो अलग अलग इवेंट हो गए हमारे पास, तीन इवेंट हो गए, फर्स्ट पैसेंजर का, सेकंड पैसेंजर का और थर्ड पैसेंजर का, तीनों को बैठाना है हमें। तो तीनों को बैठाना है तो तीनों घटना पूरी होनी चाहिए, तीनों इवेंट्स होने चाहिए साथ साथ, ओकरेंस तीनों का होना चाहिए और तीनों होना चाहिए तो हम क्या लगाएंगे बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हमने क्या पढ़ा था जो इनके वेज बनेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज, फार्मूला पढ़ा था हमने टोटल नंबर ऑफ वेज का, इनके वेज की मल्टीप्लाई कर दें सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर तो कितना आ जाएगा 120 वेज आ गई, ये आंसर आ गया। अलग अलग ये थ्री पैसेंजर्स इन सीटों पर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, अलग अलग तीनों का अलग अलग बनेगा तो अलग अलग कितने वेज बनेंगे 120 वेज बनेंगे इनके बैठने के सीट्स पर, वैकेंट सीट्स पर बैठने के 120 वेज बनेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, जोन वांट्स टू गो अब्रोड बाई शिप एंड रिटर्न बाई एयर, वो शिप से जाता है और एयर से हवाई जहाज से आता है, एयर के रास्ते से वो आता है। ही हैज ए चॉइस, ही हैज ए चॉइस ऑफ सिक्स डिफरेंट शिप्स, उसके पास जाने के लिए कितनी चॉइस हैं, शिप की चॉइस है सिक्स टू गो एंड फोर एयरलाइंस टू रिटर्न, वापसी के लिए फोर एयरलाइन है। इन हाउ मैनी वेज कैन ही परफॉर्म हिज जर्नी, वो अपनी यात्रा कितने तरीकों से कर सकता है, अलग अलग तरीके बताने हैं कितने तरीकों से वो अपनी यात्रा कर सकता है जर्नी। तो देखो इसमें जो कंप्लीट वर्क है वो कैसे हो रहा है बताओ, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, एक तो जाना है और एक वापस आना है, दो इवेंट बन गए एक जाने का और एक आने का। तो टोटल वेज बताने उसकी पूरी यात्रा है वो दोनों कामों से होगी, जाएगा और आएगा जब पूरी होगी, तो उस यात्रा के कितने वेज बनेंगे, अलग अलग कितनी यात्रा वो कर सकता है, कितने वेज से वो अपनी यात्रा कर सकता है अलग अलग। तो यहाँ पर दो इवेंट बनेंगे, एक तो जाने का और एक आने का, तो जाने के तरीके देख लेंगे और आने के तरीके देख लेंगे, और कंप्लीट जर्नी के लिए जाना और आना दोनों काम होने चाहिए, तो बोथ की ऑकुरेंस किससे होती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो हम लिखेंगे जोन कैन गो
by any of six ships. तो कितने वेज हो गए जाने के उसके? सिक्स वेज ऑफ गोइंग अब्रॉड. ये तो उसके जाने के तरीके हो गए. छह शिप हैं तो अलग अलग शिप से वो जा सकता है. अब उसके आने की ओर देख लो. ही कैन रिटर्न बाई एनी ऑफ फोर एयरलाइंस. एनी वन ऑफ फोर एयरलाइंस. फोर एयरलाइंस है उनमें से वो किसी से भी वापिस आ सकता है. तो उसके वापसी के कितने वेज हो गए? फोर वेज ऑफ रिटर्निंग. तो कंप्लीट जर्नी के लिए उसे जाना भी है और आना भी है, तो दोनों काम पूरे करने पड़ेंगे. तो दोनों इवेंट का होना चाहिए. और दो इवेंट साथ साथ हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगता है और उनके जो वेज हैं उनकी क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई. तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, the total number of ways of performing the journey, उसकी जर्नी के जो total number of ways हैं वो आ जाएंगे. performing journey क्या है बताओ? 6 × 4. उनके वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से. तो उसकी जो जर्नी हो कितने वेज से हो सकती है? 24 वेज होंगे उसकी जर्नी के, डिफरेंट अलग अलग वो अपनी जर्नी कर सकता है 24 वेज से. तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमें बता पा रहे हैं कि कितने वेज से कोई काम होगा. फॉर्मूले से इवेंट्स जितने बढ़ते हैं साथ साथ अगर उनका होना है तो उनके क्या कर देंगे हम? प्रोडक्ट. तो उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है इससे आगे. इन ए मंथली टेस्ट टीचर डिसाइड्स दैट देयर विल बी थ्री क्वेश्चंस वन फ्रॉम ईच ऑफ एक्सरसाइज 3, 7, 8, and 9 ऑफ द टेक्स्ट बुक. इफ देयर आर 12 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 7, 18 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 8, एंड 9 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 9, इन हाउ मेनी वेज कैन दी थ्री क्वेश्चंस बी सिलेक्टेड. ये तीन क्वेश्चन कितने तरीकों से सिलेक्ट होंगे ये बताना है हमें. तो देखो एक मंथली टेस्ट लिया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो उसमें डिसाइड किया गया कि थ्री क्वेश्चन होंगे उस टेस्ट में. प्रत्येक एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन होगा. एक्सरसाइज 7, 8, 9 से वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच एक्सरसाइज. और एक्सरसाइज 7 में 12 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8 में 18 क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 9 में 9 क्वेश्चन हैं. तो कह रहे हैं कितने वेज बनेंगे?
तीन क्वेश्चन सिलेक्ट करने के अलग अलग कितने वेज बनेंगे, तीनों के तीनों क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करने हैं तो कितने इवेंट बनेंगे, थ्री इवेंट्स बनेंगे। एक तो एक्सरसाइज 7 का एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना, एक इवेंट, दूसरा इवेंट एक्सरसाइज 8 में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना और तीसरा इवेंट एक्सरसाइज 9 में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना। तो वन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7 कैन बी सिलेक्टेड इन 12 वेज, क्योंकि 12 क्वेश्चन है तो उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें। एक तो तरीका ये हो गया कि इवेंट, तो बिकॉज 12 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7, सो वन क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड इन 12 वेज फ्रॉम एक्सरसाइज 7, एक तो इससे सिलेक्ट करना है और एक क्वेश्चन किससे सिलेक्ट करना है, वन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8 कैन बी सिलेक्टेड इन 18 वेज, बिकॉज एक्सरसाइज 8 में कितने क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, तो उसमें एक क्वेश्चन कितने तरीकों से सिलेक्ट होगा, 18 तरीकों से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग कितने वेज होंगे, 18, पहला क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया एक तरीका, दूसरा दो, तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से 18 तक, 18 वेज हो गए एक्सरसाइज 8 से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करने के, 18 वेज हो गए। और वन क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 9 कैन बी सिलेक्टेड इन 9 वेज, एक्सरसाइज 9 में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए, 9। अब हम लगा देंगे प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स बाय प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स। तीन इवेंट बन गए, एक्सरसाइज 7 में से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 में से दूसरा इवेंट, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 में से तीसरा इवेंट। बाय प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स, तीन इवेंट्स हैं यहां पर, तीनों को साथ साथ रखने के वेज क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज थ्री क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज हो जाएंगे, सभी इवेंट्स के वेज की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम और इससे करेंगे, नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी फोर वेज, इतने वेज से वो थ्री क्वेश्चन कैन बी सेलेक्टेड। तो हमें देखना है इवेंट कौन कौन बनते हैं, क्या सिलेक्ट करना है, साथ साथ सिलेक्ट करना था, थ्री क्वेश्चन सिलेक्ट करने थे टोटल, तो एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7 से सिलेक्ट किया, एक 8 से, एक 9 से, और तीनों एक्सरसाइज से एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करना था, तो कंप्लीट वर्क तीनों से सिलेक्ट करने से होगा, तो तीनों को हमें एसोसिएशन ऑफ इवेंट से बन जाएंगे, तीन इवेंट बनेंगे और इनके वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देर आर फोर रूट्स बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, चार रूट हैं दिल्ली और मुंबई के बीच में, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ए मैन गो, एक आदमी कितने अलग अलग तरीकों से जा सकता है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई और वापस आना है उसको, जाने और आने के कितने अलग अलग वेज बनेंगे इफ ऑन रिटर्निंग। पहला पार्ट कह रहा है कि एनी वन ऑफ द रूट इज टेकन, कोई भी रूट से वो वापिस आ सकता है। दूसरा है द सेम रूट इज नॉट टेकन, दूसरे में हमें पता लगाना है, दूसरा क्वेश्चन इसी में बना रखा है, दो क्वेश्चन, एक तो ये है कि वापसी उस किसी भी रूट से आ सकता है और एक ये है जिस रूट से गया है उससे नहीं आएगा, तो दोनों के हमें आंसर बताने हैं कितने वेज बनेंगे। तो इसके लिए पहले वाले का बता रहा हूँ, पहले तो मैं एनी वन ऑफ द रूट इज टेकन, एनी ऑफ द रूट इज टेकन रिटर्निंग में, वापसी आते वक्त किसी भी रूट से वो आ सकता है। तो देखो उसके जाने के देखेंगे कितने रास्ते हुए, जाने के कितने रास्ते हुए उसके, चार। देखो कंप्लीट जर्नी के लिए उसे दो काम करने होंगे, एक तो जाना है और एक आना है, दोनों कामों के बगैर कंप्लीट जर्नी उसकी नहीं होगी। तो दो इवेंट बन गए, एक जाने का और एक आने का, वापस आने का और एक जाने का,
एक दिल्ली से मुंबई जाने का और एक मुंबई से दिल्ली वापिस आने का, दो इवेंट बन गए हैं। तो दोनों इवेंट के हम नंबर ऑफ वेज देख लेते हैं और फिर क्या हो जाएगा भाई, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे दोनों के, वेज की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ही कैन गो इन फोर वेज, कितने वेज से जा सकता है, फोर वेज से। ही कैन रिटर्न, वो वापिस भी फोर वेज से आ सकता है, बिकॉज एनी ऑफ रूट इज टेकन, जिस रूट से गया है उससे भी आ सकता है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, फोर वेज उसके जाने के और फोर आने के, तो बाई फंडा टोटल नंबर ऑफ वेज गोइंग टू टू मुंबई एंड रिटर्निंग बैक टू दिल्ली क्या हुए भाई, फोर वेज हो गई। बैक में ही फोर इंटू फोर, जाने के फोर और फोर आने के, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स से उसके कितने तरीके बन गए, फोर इंटू फोर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से उसके फोर इंटू फोर कितने वेज बन गए, 16 वेज हो गए। अब दूसरा है, दूसरे पार्ट में जिस रूट से वो गया है उससे नहीं आना, अलग से आना है। तो दो बातें होंगी, एक तो जाना है, एक आना है, इसमें भी है। तो ही कैन गो इन फोर वेज, बट ही कैन रिटर्न, वो वापसी कितने वेज से आएगा, रिटर्न इन थ्री वेज, बिकॉज सेम रूट इज नॉट टेकन, जिससे गया है उससे नहीं आना। तो मान लो किसी रूट से गया होगा तो कितने बच गए, तीन रूट और बच गए, उनसे वापस आएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसमें दो इवेंट क्या बने, एक तो जाना और एक आना, लेकिन सेम रूट इज नॉट टेकन, तो इवेंट में वेज कम हो जाएंगे, थ्री रह गए। सेम रूट इज नॉट टेकन तो थ्री वेज रह गए। अब बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बने, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज क्या बने, फोर इंटू थ्री, दो इवेंट थे, एक जाना और एक आना कंप्लीट काम के लिए। तो बोथ इवेंट्स की हैपनिंग जो है वो कितने वेज होगी, फोर इंटू थ्री 12, अलग अलग 12 वेज होंगे आने के और जाने के, पहले वाले में होती 16। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे आगे, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स, 8 आदमियों की कमेटी है, इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन, उसमें से हम कितने तरीकों से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चुन सकते हैं, अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन, एक आदमी एक से ज्यादा पोजिशन पोस्ट नहीं ले सकता, एक आदमी या तो चेयरमैन बनेगा या वाइस चेयरमैन, एक आदमी एक से ज्यादा पद नहीं ले सकता। तो इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताने, तो दो इवेंट हो गए, एक तो चेयरमैन चुनना और एक वाइस चेयरमैन चुनना, और दोनों हमें चुनने हैं, बोथ किससे चुनेंगे, टोटल वेज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, दोनों के अलग अलग वेज देख लेंगे और फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट हम क्या करेंगे, चेयरमैन कैन बी चूजन इन, एक इवेंट तो चेयरमैन चुनना हो गया, चूजन इन 8 वेज, बिकॉज कोई भी पर्सन है वो चेयरमैन
बन सकता है, 8% से इनमें से बनाना है, कमेटी 8 की है, इन्हीं में से चेयरमैन बनेगा, इन्हीं में से वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन कैन बी चूजन इन 8 वेज, 8 तरीकों से चुन सकते हैं चेयरमैन को, 8 में से कोई भी। नाउ वाइस चेयरमैन ये क्या है, इसमें 1% ये दे रखा है, 1% कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन, एक से ज्यादा पोस्ट पर एक आदमी नहीं रह सकता। तो इसलिए एक तो क्या बन चुका है, चेयरमैन बन चुका है। सो द नंबर ऑफ कैंडिडेट लेफ्ट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चेयरमैन, एक तो चेयरमैन बन चुका है तो वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा, तो कितने कैंडिडेट रह गए वाइस चेयरमैन की पोस्ट के लिए, आर 7। तो क्या लिखेंगे हम, वाइस चेयरमैन कैन बी चूजन इन कितने वेज से, 7 वेज से। तो अब नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दोनों इवेंट पूरे करने, हमें चेयरमैन भी बनाना है वाइस चेयरमैन भी, तो दोनों के ओकुरेंस के बताने हैं वेज क्या होंगे दोनों के होने के, किससे आएंगे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमें, दोनों के वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कैन बी चूजन, दोनों चुने जाए चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन भी। तो दोनों के होने के लिए दो इवेंट हो गए, एक चेयरमैन का चुनना और एक वाइस चेयरमैन का, तो दोनों इवेंट के जो वेज है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 7 कितना आ गया, 56 वेज, ये आंसर आ गया अब इसका। तो इस तरीके से करेंगे।